जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु, जय जय ते परम कृष्ण गुरु ईश्वर। कृष्ण गुरु सेवाश्रम में जुटे आप सभी संतों, मनीषियों और भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन का यह आयोजन पिछले एक महीने से चल रहा है। मुझे खुशी है कि ज्ञान, सेवा और मानवता की जिस प्राचीन भारतीय परंपरा को कृष्ण गुरु जी ने आगे बढ़ाया, वो आज भी निरंतर गतिमान है। गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु जी और उनके सहयोग के आशीर्वाद से और कृष्ण गुरु के भक्तों के प्रयास से इस आयोजन में वो दिव्यता साफ दिखाई दे रही है। मेरी इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर असम आकर आप सबके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हूं। मैंने कृष्ण गुरु जी की पावन तपोस्थली पर आने का पहले भी कई बार प्रयास किया है, लेकिन शायद मेरे प्रयासों में कोई कमी रह गई कि चाहकर के भी मैं अब तक वहां नहीं आ पाया। मेरी कामना है कि कृष्ण गुरु का आशीर्वाद मुझे ये अवसर दें कि मैं आने वाले समय में वहां आकर आप सभी को नमन करूं, आपके दर्शन करूं। साथियों, कृष्ण गुरु जी ने विश्व शांति के लिए हर 12 वर्ष में एक मास के अखंड नाम जप और कीर्तन का अनुष्ठान शुरू किया था। हमारे देश में तो 12 वर्ष की अवधि पर इस तरह के आयोजनों की प्राचीन परंपरा रही है और इन आयोजनों का मुख्य भाव रहा है कर्तव्य। ये समारोह व्यक्ति में, समाज में कर्तव्य बोध को पुनर्जीवित करते थे। इन आयोजनों में पूरे देश के लोग एक साथ एकत्रित होते थे। पिछले 12 वर्षों में जो कुछ भी बीता समय में हुआ है उसकी समीक्षा होती थी, वर्तमान का मूल्यांकन होता था और भविष्य की रूपरेखा तय की जाती थी। हर 12 वर्ष पर कुंभ की परंपरा भी इसका एक सशक्त उदाहरण रहा है। 2019 में ही असम के लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी में पुष्करम समारोह का सफल आयोजन किया था। अब फिर से ब्रह्मपुत्र नदी पर यह आयोजन 12वें साल में ही होगा। तमिलनाडु के कुंभकोणम में महामाहम पर्व भी
12 वर्ष में मनाया जाता है। भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक ये भी 12 साल पर ही होता है। ये भी संयोग है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर खिलने वाला नील कुरुंजी पुष्प भी हर 12 साल में ही उगता है। 12 वर्ष पर हो रहा कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन भी ऐसी ही सशक्त परंपरा का सृजन कर रहा है। ये कीर्तन पूर्वोत्तर की विरासत से, यहां की आध्यात्मिक चेतना से विश्व को परिचित करा रहा है। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कृष्ण गुरु जी की विलक्षण प्रतिभा, उनका आध्यात्मिक बोध, उनसे जुड़ी हैरान कर देने वाली घटनाएं हम सभी को निरंतर प्रेरणा देती हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति न छोटा होता है न बड़ा होता है। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इसी भावना से, सबके साथ से, सबके विकास के लिए समर्पण भाव से कार्य किया है। आज विकास की दौड़ में जो जितना पीछे है, देश के लिए वो उतनी ही पहली प्राथमिकता है। यानी जो वंचित है उसे देश आज वरीयता दे रहा है। वंचितों को वरीयता, असम हो, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, वो भी दशकों तक विकास के कनेक्टिविटी से वंचित रहा था। आज देश असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को वरीयता दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है। इस बार के बजट में भी देश के इन प्रयासों की और हमारे भविष्य की मजबूत झलक दिखाई दी है। पूर्वोत्तर की इकोनॉमी और प्रगति में पर्यटन की एक बड़ी भूमिका है। इस बार के बजट में पर्यटन से जुड़े अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विशेष अभियान चलाकर विकसित किया जाएगा। इनके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वर्चुअल कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, टूरिस्ट सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा। पूर्वोत्तर और असम को इन विकास कार्यों का बड़ा लाभ मिलेगा। वैसे आज इस आयोजन में जुटे आप सभी संतों, विद्वानों को मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं। आप सबने भी गंगा विलास क्रूज के बारे में सुना होगा। गंगा विलास क्रूज दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। इस पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी सफर कर रहे हैं। बनारस से बिहार में पटना, बक्सर,
मुंगेर होते हुए ये क्रूज बंगाल में कोलकाता से आगे तक की यात्रा करने हुए बांग्लादेश पहुंच चुका है। कुछ समय बाद ये क्रूज असम पहुंचने वाला है। इसमें सवार पर्यटक इन जगहों की नदियों के जरिए विस्तार से जान रहे हैं, वहां की संस्कृति को जी रहे हैं। और हम तो जानते हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी अहमियत, सबसे बड़ा मूल्यवान खजाना हमारे नदी तटों पर ही है, क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति की विकास यात्रा नदी तटों से जुड़ी हुई है। मुझे विश्वास है असमिया संस्कृति और खूबसूरती भी गंगा विलास के जरिए दुनिया तक एक नए तरीके से पहुंचेगी। साथियों, कृष्ण गुरु सेवाश्रम विभिन्न संस्थाओं के जरिए पारंपरिक शिल्प और कौशल से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए भी काम करता है। बीते वर्षों में पूर्वोत्तर के पारंपरिक कौशल को नई पहचान देकर ग्लोबल मार्केट में जोड़ने की दिशा में देश ने ऐतिहासिक काम किए हैं। आज असम की आर्ट, असम के लोगों के स्किल, यहां के बैम्बू प्रोडक्ट्स के बारे में पूरे देश और दुनिया में लोग जान रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि पहले बैम्बू को पेड़ों की कैटेगरी में रखकर इसके काटने पर कानूनी रोक लग गई थी। हमने इस कानून को बदला, गुलामी के कालखंड का कानून था, बैम्बू को घास की कैटेगरी में रखकर पारंपरिक रोजगार के लिए सभी रास्ते खोल दिए। अब इस तरह के पारंपरिक कौशल विकास के लिए इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और पहुंच बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इस तरह के उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए बजट में हर राज्य में यूनिटी मॉल, एकता मॉल बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। यानी असम के किसान, असम के कारीगर, असम के युवा जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यूनिटी मॉल, एकता मॉल में उनका विशेष डिस्प्ले होगा ताकि उसकी ज्यादा बिक्री हो सके। यही नहीं, दूसरे राज्यों की राजधानी या बड़े पर्यटन स्थलों में भी जो यूनिटी मॉल बनेंगे उसमें भी असम के प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे। पर्यटक जब यूनिटी मॉल जाएंगे तो असम के उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा। साथियों, जब असम के शिल्प की बात होती है तो यहां के ये गोमाशा का भी, ये गोमोशा, इसका भी जिक्र अपने आप हो जाता है। मुझे खुद गोमोशा पहनना बहुत अच्छा लगता है। हर खूबसूरत गोमोशा के पीछे असम की महिलाओं, हमारी माताओं बहनों की मेहनत होती है। बीते 8-9 वर्षों में देश में
गोमोशव की उसको लेकर आकर्षण बढ़ा है तो उसकी मांग भी बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सामने आए हैं। इन ग्रुप्स में हजारों लाखों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। अब ये ग्रुप और आगे बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था की ताकत बनेंगे। इसके लिए इस साल के बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं की आय उनके सशक्तिकरण का माध्यम बने इसके लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना भी शुरू की गई है। महिलाओं को सेविंग पर विशेष रूप से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा। साथ ही पीएम आवास योजना का बजट भी बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है ताकि हर परिवार को जो गरीब है जिसके पास पक्का घर नहीं है उसका पक्का घर मिल सके। ये घर भी अधिकांश महिलाओं के ही नाम पर बनाए जाते हैं। उसका मालिकी हक महिलाओं का होता है। इस बजट में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनसे असम नागालैंड त्रिपुरा मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं को व्यापक लाभ होगा। उनके लिए नए अवसर बनेंगे। साथियों, कृष्ण गुरु कहा करते थे, नित्य भक्ति के कार्यों में विश्वास के साथ अपनी आत्मा की सेवा करें। अपनी आत्मा की सेवा में समाज की सेवा, समाज के विकास के इस मंत्र में बड़ी शक्ति समाई हुई है। मुझे खुशी है कि कृष्ण गुरु सेवाश्रम समाज से जुड़े लगभग हर आयाम में इस मंत्र के साथ काम कर रहा है। आपके द्वारा चलाए जा रहे ये सेवा यज्ञ देश की बड़ी ताकत बन रहे हैं। देश के विकास के लिए सरकार अनेकों योजनाएं चलाती है, लेकिन देश की कल्याणकारी योजनाओं की प्राणवायु समाज की शक्ति और जनभागीदारी ही है। हमने देखा है कि कैसे देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और फिर जनभागीदारी ने उसे सफल बना दिया। डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता के पीछे भी सबसे बड़ी वजह जनभागीदारी ही है। देश को सशक्त करने वाली इस तरह की अनेकों योजनाओं को आगे बढ़ाने में कृष्ण गुरु सेवाश्रम की भूमिका बहुत अहम है। जैसे कि सेवाश्रम महिलाओं और युवाओं के लिए कई सामाजिक कार्य करता है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण जैसे अभियान को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों से ज्यादा युवाओं को जोड़ने से सेवाश्रम की प्रेरणा बहुत अहम है। योग हो, आयुर्वेद हो,
इनके प्रचार प्रसार में आपकी और ज्यादा सहभागिता समाज शक्ति को मजबूत करेगी। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे यहां पारंपरिक तौर पर हाथ से किसी औजार की मदद से काम करने वाले कारीगरों को, हुनरमंदों को विश्वकर्मा कहा जाता है। देश ने अब पहली बार इन पारंपरिक कारीगरों के कौशल को बढ़ाने का संकल्प लिया है। इनके लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास योजना शुरू की जा रही है और इस बजट में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। कृष्ण गुरु सेवाश्रम विश्वकर्मा साथियों में इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाकर भी उनका हित कर सकता है। साथियों, 2023 में भारत की पहल पर पूरा विश्व मिलेट ईयर भी मना रहा है। मिलेट यानी मोटे अनाजों को, जिसको हम आम तौर पर मोटा अनाज कहते हैं, नाम अलग अलग होते हैं लेकिन मोटा अनाज कहते हैं, मोटे अनाजों को अब एक नई पहचान दी गई है। ये पहचान है श्री अन्न, यानी अन्न में जो सर्वश्रेष्ठ है वो हुआ श्री अन्न। कृष्ण गुरु सेवाश्रम और सभी धार्मिक संस्थाएं श्री अन्न के प्रसार में बड़ी भूमिका निभा सकती है। आश्रम के जो प्रसाद बढ़ता है, मेरा आग्रह है कि वो प्रसाद भी श्री अन्न से बनाया जाए। ऐसे ही आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अभियान चल रहा है। इस दिशा में सेवाश्रम प्रकाशन द्वारा असम और पूर्वोत्तर के क्रांतिकारियों के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे विश्वास है 12 वर्षों बाद जब यह अखंड कीर्तन होगा तो आपके और देश के इन साझा प्रयासों से हम और अधिक सशक्त भारत के दर्शन कर रहे होंगे। और इसी कामना के साथ सभी संतों को प्रणाम करता हूं, सभी पुण्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं और आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।